नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। पिज्जा का इतिहास, इसका प्राचीन कालीन इतिहास करीब 2100 साल पुराने यूनान से शुरू हुआ होता है। ईसा से 1 साल पहले यूनान में फ्लैट ब्रेड बनाई जाती थी, जिससे फ्लैग काउंटेज कहा जाता था। इसे फ्लैग काउंटेज की टॉपिंग मीट, चीज़, प्याज, लहसुन और अलग अलग तरह की सब्जियों से की जाती थी। आधुनिक पिज़्ज़ा इटली की देन माना जाता है, लेकिन भारत देश भी इसमें पीछे नहीं है। राजधानी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी में आज रोमिनोज पिज़्ज़ा के कई आउटलेट्स का भव्य शुभारम्भ हुआ। आपको बता दें कि विकास नगर, आशियाना और 3 जगहों पर रोमिनोज पिज़्ज़ा का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर कई लोग आए जिन्होंने पिज़्ज़ा का स्वाद चखा, क्योंकि डोमिनोज को टक्कर देने के लिए रोमिनोज ने मेक इन इंडिया के माध्यम से राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीम ने रोमिनोज के तीनों डायरेक्टर से खास बातचीत की और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से डोमिनोज को टक्कर देने राजधानी लखनऊ में रोमिनोज पिज्जा आ गया है। स्वाद मन को मोह लेने वाला, क्योंकि राजधानी लखनऊ में खाने और पीने की तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो पर्यटकों और राजधानी लखनऊ के लोगों का मन मोह लेती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि एलडीए कॉलोनी आशियाना क्षेत्र में किस तरह से रोमिनोज पिज्जा का भव्य शुभारंभ हुआ। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ के आशियाना में आज रोमिनोज पिज्जा का भव्य शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में आज 3 जगह पर इनकी आउटलेट का शुभारंभ हुआ। हम आशियाना क्षेत्र में आए हुए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि रोमिनोज पिज्ज़ा आखिर किस तरह की सुविधा है और जो स्वाद है वो आखिर यहाँ के लोगों को, जो ग्राहक है उनको कितना पसंद देने वाला है। ये आपको लेकर चलते हैं अंदर और बात करते हैं पहले लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ का अभी स्वाद चखा है। सर, आप गए थे, आज उद्घाटन हुआ है, कैसा लगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इसका एडवर्टीजमेंट में पढ़ा था, लेकिन और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया, मतलब और बहुत जल्दी ऑर्डर प्लेस हो गया। नॉर्मली ये लगता है कि टाइम बहुत लगता है एक ऑर्डर प्लेस होने में, लेकिन और रिफ्रेशमेंट इतना बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल मैं फीडबैक अच्छा देना चाहूँगा इसके लिए। तो क्या लगता है लखनऊ में जो लोग हैं उनका दिल कितना जीत पाएगा रोमिनोज? अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, फॉर द आने वाले वीक्स या कपल ऑफ ईयर्स में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। सर, टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब टॉक अबाउट द रिफ्रेशमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हाँ, अभी एक पिज़्ज़ा का मतलब मैंने टेस्ट किया, नॉर्मली मैंने और भी पिज़्ज़ा ट्राई किए हैं। तो अच्छा, आपको बताओ कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट। तो देखिए, यहाँ पर लोग हैं जिनसे हमने बात की है, अभी आपको आउटलेट के अंदर लेकर चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आम जन को दी जा रही है। जैसा कि 2 लोगों से अभी हमने बात की और हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं हिमांशु जी हैं। सर, रोमिनोज लखनऊ में किस तरह से आज 3 आउटलेट का शुभारंभ आप लोगों ने किया, क्या लगता है सर किस तरह का असर और किस तरह का स्वाद, किस तरह की सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे? सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। पहली बात, ये लखनऊ में नहीं, यूपी में हमारा फोकस है। हम लोग अराउंड 100+ स्टोर्स यूपी में जाएंगे। ये राजस्थान में हमने शुरू किया था और बहुत ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो थे उस एरिया में जो हैं, उन्होंने मिल करके एक चेन शुरू की और अराउंड 25 स्टोर अभी तक खुल चुके हैं अक्रॉस, और यहाँ पर पूरे यूपी में अब हमारा फोकस है। तो 100+ स्टोर एज पर एज जो क्वालिटी की बात है, अगर आप, मतलब मैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं बोलूँगा, बट आप खुद खाएँ, खुद देखें, हर कस्टमर से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ही ज़रूर खा के अपना टेस्ट, अपना स्वाद खुद बताएं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइसेस में दिया जाता है। सबसे मिनिमम बजट का जो पिज़्ज़ा है, सबसे मिनिमम वो कौन सा है? आप
आप यहाँ पर 59 रुपीज़ से पिज़्ज़ा शुरू कर सकते हैं। और एक ख़ास बात आपको बताऊँ, आपको किसी भी ब्रांड में, किसी भी पिज़्ज़ा ब्रांड में ऑफ़र्स जो यहाँ पर लुक्रेटिव इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हैं वो नहीं मिलेंगे। हर वेंसडे और फ्राइडे को बाई वन गेट वन का ऑफ़र किसी को भी मिल सकता है, जो भी यहाँ पर आए ऑर्डर करे या ऑनलाइन ऑर्डर करे या ऐप से ऑर्डर करे। सो बाई वन गेट वन के ऑफ़र्स जो हैं नॉर्मली एक दिन हफ्ते में होते हैं, बट हम अपने कस्टमर्स को दो दिन उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो दो दिन देते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु जी, जिन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में आज 3 आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे। साथ जो लोग हैं, जो डोमिनोज के लोग हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। सर आबिद जी, आखिर लखनऊ में क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप लोगों ने अपने आउटलेट्स को डाला है, राजधानी लखनऊ में आखिर आज 3 आउटलेट का शुभारंभ किया है, क्या खास बात रहेगी? बेसिकली सबसे खास बात तो यही है कि अभी पिज़्ज़ा में जितने भी प्लेयर हैं ना, वी आर दी ओनली वो आर टोटली मेक इन इंडिया ब्रांड। हम लोग जो मशीनरी भी यूज़ करते हैं ना, वो भी अपना इंडियन मेक ही है। सारे जो भी वेंडर्स हैं अपने मशीनरी के, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो मेक इन इंडिया। तो अपना फोकस यही है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हम हर जगह देते आए हैं वो लखनऊ में भी दें। आज हम लोगों के 3 आउटलेट ओपन हुए हैं और ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड रेस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा है। हम लोगों को आशा है कि लखनऊ एंड यूपी वासियों का जो प्यार है हमें हमेशा ऐसे ही मिले। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार तमाम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर पिज़्ज़ा बिक ही रहा है, तो आखिर क्या खास कर रहे हैं? सर मैं सबसे पहला चीज़ तो आपको, आपके माध्यम से मैं पूरे यूपी वासी को, पूरे भारतवर्ष को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एज ए रोमनोस पिज़्ज़ा ताक्षरिया पूर्व प्राइडिंग का डायरेक्टर हूँ। मैं पूर सप्लाई चेन और क्वालिटी देखता हूँ। जो सप्लाई चेन है हमारी, अभी हमारी अब प्रेजेंस है अभी 4 स्टेट में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अभी हम यूपी में इंटर किए 4 स्टेट। यूपी में हमें 100 रेस्टोरेंट की प्लानिंग है। अभी टोटल आज हमने 3 रेस्टोरेंट यूपी में, लखनऊ में ओपन किया है। हमारा सर सेंट्रल सप्लाई चेन है, जहाँ से हम सारे मैन्युफैक्चरिंग खुद बेस प्रोडक्ट खुद बनाते, बाकी मैं सारे सप्लाई देते, एक रेसिपी एक क्वालिटी ऑल जगह आपको मिलेंगे। दूसरा चीज़ आपके माध्यम से कहती है कि अदर बड़े बड़े ब्रांड है मार्केट में, लेकिन अगर हम उससे बेटर ब्रांड मेक इन इंडिया दें मार्केट में लोगों को, तो वोकल, प्लीज वोकल फॉर लोकल होना चाहिए और मेक इन इंडिया में दम है वो आजमा के और खा के दिखना चाहिए। और यूपी वासी का, लोगों का प्यार हमें मिलनी चाहिए और हम हमेशा ही क्वालिटी पर फोकस करेंगे और बेटर और उनके विश्वास पे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम है सर? संजीव पाठक। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर संजीव जी, जिन्होंने कहा कि जो कुछ अलग और कुछ खास करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ जो लखनऊ वासी हैं उनका दिल जीतने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सहयोगी भरत के साथ में।